दिल्ली पुलिस की स्पेशल ब्रांच के हवाले से एक नया खुलासा हुआ है। पाकिस्तान ने कोरोना काल में आतंक का नया मॉड्यूल लॉन्च किया। त्योहारों पर देश को धमाके की साजिश से दहलाने में पकड़े गए आतंकियों से ये खुलासा हुआ है। देखिए संवाददाता मनोज वर्मा की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। पाकिस्तान की पॉकेटमार साजिश एक्सपोज्ड। हिंदुस्तान की जेब काटने आए इमरान के आतंकी। ये आतंक का वो चेहरा है जो पाकिस्तान की नई साजिश का जिंदा सबूत है। हिंदुस्तान के खिलाफ पाकिस्तान अब सिर्फ सीमा पार आतंकवाद के जरिए ही हमला करने के मंसूबे नहीं पाल रहा, बल्कि उसने अपनी आतंकी स्ट्रैटेजी में बदलाव भी किया है। साल 1981 से लेकर एबीपी न्यूज संवाददाता मनोज वर्मा इस खबर पर लगातार लगे हैं। जब मनोज वर्मा ने क्राइम ब्रांच में अपने सूत्रों को खंगाला तो सामने आया आतंकी रोटी खाने वाले पाकिस्तान का ये नया आतंकी मॉड्यूल। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जिन 6 आतंकियों को गिरफ्तार किया है उनसे लगातार पूछताछ हो रही है और इसी में हुआ है ये खुलासा। पाकिस्तान की नज़र अब हिंदुस्तान की जेब पर भी है और वो कोरोना काल में भारत को आर्थिक तौर पर बड़ा नुकसान पहुंचाने का भी प्लान बना रहा है। स्पेशल सेल के सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में आतंकी जीशान ने कबूल किया है भारत को आर्थिक नुकसान पहुंचाने के लिए ISI ने नया मॉड्यूल बनाया है। इसी मॉड्यूल के तहत ये 6 आतंकी काम कर रहे थे। इकोनॉमिक टेररिज्म के जरिए फैक्ट्री, गोदाम, शोरूम, बड़ी दुकानों को निशाना बनाना था। सभी आतंकियों को सख्त आदेश था कि अगर भीड़ भाड़ वाली जगह धमाके ना कर पाओ तो भारत को आर्थिक नुकसान पहुंचाओ। पाकिस्तानी आवाम के पास खाने को रोटी नहीं है, लगाने को वैक्सीन नहीं है। खुद पाकिस्तान दुनिया भर के सामने भीख के लिए हाथ पसारे खड़ा है, लेकिन अपनी जनता पर ध्यान देने के बजाय तालिबान खान ISI के साथ मिलकर अर्थशास्त्र और आतंक शास्त्र का नया गठजोड़ बना रहे हैं। तफसील से समझिए इस इकोनॉमिक टेररिज्म के पूरे मॉड्यूल को। इकोनॉमिक टेररिज्म के मॉड्यूल में जान से ज्यादा माल पर हमला करना होता है, मतलब ऐसी चोट जिसमें मौत भले ही कम हो लेकिन आर्थिक नुकसान ज्यादा है। इसमें बड़ी फैक्ट्रियों, गोदाम, शोरूम, बड़ी दुकानों को जलाने की प्लानिंग की गई। इस आतंक मॉड्यूल में मालगाड़ियों को निशाना बनाने की आतंकियों से ताकीद की गई। खासकर कॉटन यानी रुई से भरी बोगियों में आग लगाना, धमाके करना शामिल है। मुंबई का रहने वाला और कोटा से पकड़ा गया आतंकी जान मोहम्मद भी अब पूछताछ में साजिशों के सारे राज उगल रहा है। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान का इकोनॉमिक टेररिज्म शुरू भी हो चुका है। आतंकी जान मोहम्मद ने कबूला कि जबरन उगाही के लिए उसने गोवा के गुटखा कारोबारी के यहाँ धमाका किया था। अनवर नाम के एक कारोबारी की हत्या के बाद भी जान मोहम्मद ने कबूला है। जान मोहम्मद से गुरुवार को महाराष्ट्र ATS ने करीब 2.5 घंटे तक पूछताछ की। आतंकियों से इस पूछताछ में एक और बड़ा खुलासा ये भी हुआ है कि ISI ने बाकायदा तनख्वाह पर आतंक के ट्रेनरों को नौकरी दी हुई है, जो हिंदुस्तान से लड़कों की शिनाख्त करते हैं, उनका माइंड वॉश करते हैं और फिर ट्रेनिंग के लिए अपने आकाओं के पास पाकिस्तान भेजते हैं। स्पेशल सेल ने बताया कि मस्कट में ISI ने बाकायदा कुछ लोगों को सैलरी पर रखा हुआ था, जिनका काम था जो लड़के ट्रेनिंग के लिए टेरर कैंप जाते हैं उन्हें पानी के रास्ते मस्कट से पाकिस्तान पहुंचाना। स्पेशल सेल के सूत्रों ने बताया कि जिस बोट से पानी के रास्ते लड़कों को पाकिस्तान पहुंचाया जाता था वहां पर ISI का एक शख्स मौजूद होता था जो रास्ते में पाकिस्तान में मौजूद अपने अधिकारियों को मूवमेंट की सभी जानकारी देता था। फिलहाल हिंदुस्तानी खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों की मुस्तैदी ने पाकिस्तान के हर मंसूबे को नेस्त नाबूद कर दिया है और एक बार फिर पाकिस्तान के मुंह पर करारा तमाचा पड़ा है। और अब वक्त है आपको पाकिस्तान की आतंकी यूनिवर्सिटी के काले सच से रूबरू करवाने का। ये आतंकी वही यूनिवर्सिटी है जहां पाकिस्तान और ISI ने मुंबई आतंकी हमलों के लिए अजमल आमिर कसाब को ट्रेन किया था और ट्रेन भी किया था। पहली बार TV पर देखिए इमरान की आतंकी पाठशाला का पूरा सच। सुबह मौलवी वीडियो दिखाएगा, दोपहर में सेना का लेफ्टिनेंट प्लान बनाएगा,
शाम को आतंक का प्रैक्टिकल होगा। इमरान के आतंक वाले मदरसे का यही सिलेबस है। ये आतंक का वो मदरसा है जहां से अजमल आमिर कसाब जैसे आतंकी ग्रेजुएट हुए हिंदुस्तान में आतंक फैलाने के लिए। त्योहारों पर देश को देना। एबीपी न्यूज के क्राइम रिपोर्टर मनोज वर्मा ने पाकिस्तान के इस आतंकी पाठशाला के सिलेबस का एक एक चैप्टर खोज निकाला। मनोज वर्मा की रिपोर्ट आपको बताएगी कि कैसे आतंक के मदरसे में पाकिस्तान तैयार करता है हिंदुस्तान के लिए खतरे। संवाददाता मनोज वर्मा को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के सूत्रों ने बताया कि कैसे आतंक के कोर्स का पूरा सिलेबस तैयार किया जाता है और कैसे उस आतंक की फैक्ट्री से निकलते हैं दहशतगर्द। पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट स्थित उसी थट्टा इलाके में आईएसआई की वो आतंकी यूनिवर्सिटी है जहां गिरफ्तार जीशान और उसामा जैसे आतंकियों के लिए पाकिस्तान ने आतंक का पूरा सिलेबस बनाया था। स्पेशल सेल की पूछताछ में तोते की तरह जीशान और उसामा ने पूरा का पूरा आतंकी सिलेबस उगल दिया। थट्टा के स्वाम हाउस में फायरिंग रेंज से लेकर फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर बना हुआ है। यहां आतंकियों को न सिर्फ हथियार चलाना बनाना सिखाते हैं बल्कि उन्हें मीलों भारी सामान के साथ चलने दौड़ने की ट्रेनिंग भी दी जाती है। दिमाग में आतंक का जहर बोने से लेकर उसकी फसल काटने तक का पूरा इंतजाम पाकिस्तान ने धर्म और शर्म दोनों की तिलांजलि दे दी। जीशान और उसामा ने आतंक का जो सिलेबस उगला है जरा वो पाठ्यक्रम देख लीजिए। 3 शिफ्ट में होती थी आतंकी ट्रेनिंग। पहली शिफ्ट में एक मौलवी आकर जीशान और उसामा समेत तमाम जिहादियों को वीडियो दिखाता था। वीडियो में एक विशेष समुदाय के खिलाफ होने वाले अत्याचार को दिखाया जाता था। वीडियो देखने के बाद मौलवी आतंकियों को भड़काता था, उन्हें जिहाद का झूठा मतलब समझाता था, दिमाग में खास समुदाय और भारत के खिलाफ जहर भरता था। उसके बाद आतंकी गेस्ट हाउस में रहते थे। दोपहर में होती थी दूसरी शिफ्ट जिसमें पाकिस्तानी आर्मी के अफसर इन आतंकियों को हथियार चलाने और बम बनाने की ट्रेनिंग देते थे। पाक सेना के अफसर बताते थे कि घरेलू इस्तेमाल की चीजों से कैसे बम बनाया जाता है। शाम को तीसरी शिफ्ट होती थी प्रैक्टिकल की। इसमें इन लड़कों को आईएसआई पाकिस्तान के ही भीड़ भाड़ वाले इलाकों में छोड़ देते थे। इसमें भीड़ वाले इलाकों में छिपकर हमला करने, ऐसे इलाकों की रेकी करने और टारगेट तलाशने की ट्रेनिंग होती थी। करीब 15 दिन की इस ट्रेनिंग के बाद इन आतंकियों को हिंदुस्तान भेजा जाता था ताकि वो पाकिस्तान के नापाक मंसूबों को अंजाम दे सके। देखिए, बार बार अपने नापाक मंसूबों को पूरा करने की कोशिश करने के बावजूद पाकिस्तान एक्सपोज होता रहा है देश के सामने, लेकिन फिर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है। और अभी फिलहाल इस पूरे मसले पर ताजा अपडेट क्या चल रहा है बताने के लिए हमारे सहयोगी ओम प्रकाश तिवारी हमारे साथ जुड़ गए। ओम प्रकाश जी, इन आतंकियों को गिरफ्त में लेने के बाद अब एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं और किस तरह से पाकिस्तान में आतंकी यूनिवर्सिटी चल रही है वो भी अपने दर्शकों को हमने दिखाया, ताजा अपडेट क्या है इसमें? बिल्कुल आदर्श, मैं आपको बता दूं कि इन आतंकियों से पूछताछ के आधार पर जो ताज़ा जानकारियां आई हैं उसके मुताबिक इनके अनेक स्लीपर सेल्स अभी भी देश के विभिन्न भागों में मौजूद हैं और इनका मकसद है नवरात्रों में बम धमाके करना। लिहाजा आज दिल्ली, राजधानी दिल्ली के पुलिस हेडक्वार्टर्स में पहली बार, दिल्ली पुलिस के इतिहास में पहली बार एंटी टेरर कॉन्फ्रेंस होने जा रही है जिसमें 12 से ज़्यादा राज्यों के आतंकवाद निरोधक दस्तों के प्रमुख और उनके सहयोगी भाग लेने जा रहे हैं। इस बैठक का उद्देश्य आने वाले नवरात्रों में, चूंकि आदर्श जी आने वाला जो महीना है उसमें अनेक त्यौहार होंगे और इनका मकसद इन्हीं त्यौहारों के दौरान धमाके करना है, तो लिहाजा जो अभी तक इनके पास से जानकारी उपलब्ध हुई है उनको इन तमाम एंटी टेरर दस्तों के साथ साझा करना। इसके अलावा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के जो बदलते हुए हालात हैं वहाँ से किस तरह के थ्रेट्स इंडिया को आ सकते हैं और इंडिया के खिलाफ क्या क्या साजिशें रची जा सकती हैं और उनके रोकथाम के क्या तरीके हो सकते हैं, इन तमाम बातों पर आज सुबह 10 बजे से लेकर 6 बजे तक देश के 12 से ज्यादा राज्यों के एंटी टेरर चीफ चर्चा करेंगे और एक संयुक्त रणनीति भी बनाई जा सकती है कि आने वाले दिनों में इस आतंकवाद से आखिर कैसे निपटा जा सके और इनकी जो स्लीपर सेल्स अभी भी बाहर हैं जिनके पास विस्फोटक आदि मौजूद हैं उनसे किस तरह से निपटा जाए। जी, तो ये तमाम कनेक्शंस तलाशने की कोशिश भी हो रही है। ओम प्रकाश जी, बहुत धन्यवाद आपका। तमाम जानकारी के लिए आगे अपडेट्स होगा तो आपसे लेते रहेंगे। ABP News, आपको रखे आगे।